सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप क्रिकेट की खबरें देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ ओवल के मैदान पर खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के पांचवे और आखिरी मुकाबले में जीत के लिए 464 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने चौथी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना लिए है। टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही है, उसने अपने 3 विकेट सिर्फ 2 रन के स्कोर पर ही गंवा दिए। शिखर धवन 1, चेतेश्वर पुजारा 0 के बाद कप्तान विराट कोहली 0 भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। पूरी सीरीज में अपने बल्लेबाजी से धमाल मचाने वाले कोहली पारी की पहली ही गेंद पर स्टुअर्ट ब्रॉड का शिकार बन गए, लेकिन इस पारी में 0 पर आउट होकर कोहली टेस्ट क्रिकेट के 141 साल के इतिहास में एक अनचाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से बच गए। अगर कोहली इस पारी में 7 रन बना लेते तो वह दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन जाते जिसने दो हारी हुई टेस्ट सीरीज में 600 या उससे ज्यादा रन बनाए हों। इससे पहले 2014-15 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गए टेस्ट सीरीज में कोहली ने 692 रन बनाए थे। भारत वह सीरीज 2-0 से हारा था। बता दें कि कोहली ने 10 पारियों में 59.30 की औसत से 593 रन बनाकर इस सीरीज के सबसे सफल बल्लेबाज रहे। उनके बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के जॉस बटलर हैं, जिन्होंने 9 पारियों में 349 रन बनाए हैं। दोस्तों, आपको क्रिकेट की खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें और ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।